हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ रायपुर का चोकरदानी। तो उसका एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है। मैं अपनी बेबी के बर्थडे में उसको वहीं लेके गई थी कि वो थोड़ा वहाँ इंजॉय कर सके, और हम लोगों ने भी और उसने भी वहाँ बहुत इंजॉय किया। तो आप भी वहाँ, अगर आपको कोई अपने घर का कुछ स्पेशल बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी सेलिब्रेट करने जाना है, तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर वहाँ का इंटीरियर है। तो ये जो चोकरदानी है, ये नया रायपुर रोड पे आपको मिलेगा। ये जो VW कैनियन है, जस्ट इसके बिहाइंड ये चोकरदानी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम लोग केक वगैरह भी लेके गए थे, और जस्ट उसने बाहर से ही हम लोग को बोला कि आप केक मुझे दे दीजिए, मैं फ्रिज में रख देता हूँ, बाद में जब आपको केक कटिंग होगा तब आप अपने केक का नंबर बता दीजिएगा तो वो हम लोग को दे देगा। ऐसा उसने पहले ही हम लोग को बता दिया था। और ये बाहर में इन लोग ऐसे करके मतलब ऐसे ढोल बजा के वेलकम करते हैं। हाँ, वो एक केक फ्रिज में। आप नंबर ले लीजिए मेरे, जब आपको कटवाना हो ना तो आप एक नंबर केक बोल देना। क्या एक नंबर केक? एक नंबर केक, पहला नंबर आपका ये केक जो मिस सेलिब्रेट करते हैं, हम कटवाते हैं अंदर टेबल पे। इवनिंग में गए थे, बट हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग 5 बजे भी लेट गए हैं। यहाँ आपको अगर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाना है, रील्स वगैरह बनाना है, तो 4 बजे के आसपास आप चले जाइएगा। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं, इतना सुंदर इंटीरियर है, बहुत सारे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। तो 4 बजे के आसपास अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी मिलेगी। रात को भी लाइटिंग काफ़ी यहाँ पर अच्छी रहती है। तो ये रिसेप्शन टाइप का इन लोग ने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ हम लोग यहाँ पे भी क्लिक कर रहे थे, क्योंकि रिसेप्शन इतना सुंदर था। और आप देख सकते हैं जो उस दिन बना था उस दिन का ये मेन्यू भी है। तो जो जो अंदर हमको मिलेगा वो पहले से उन लोग ने यहाँ लिख दिया था, और जैसा बच्चों के हाइट के हिसाब से वहाँ प्राइस लगता है। और जो उनका लाइक मेरी बेबी 4 ईयर्स की है, तो उसका 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा था, और 800 रुपीज़ वहाँ का एंट्री फीस है। जो भी अंदर जो भी खाने का है सब कुछ खा सकते हैं, और जितना भी आप चाहें उतना खा सकते हैं। तो बट कुछ कुछ चीज़ जैसे पानी का बॉटल वगैरह का, जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी, उसका कुछ कुछ प्राइस है। तो लाइक 20-30 रुपीज़ अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, बट हम लोग ने वहाँ ऐसा कुछ बाय किया नहीं था, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतना सब कुछ चीज़ था और सब कुछ अवेलेबल था। तो ऐसा कुछ हम लोग ने वहाँ पे एक्स्ट्रा बाय नहीं किया था। ये हम लोग को ड्रिंक्स वगैरह वहाँ जैसे ही हम लोग एंटर किए थे पीने मिली थी। तो ये वहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम भी वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक रहते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वॉशरूम भी अवेलेबल है। और बहुत ही क्लीन था, इसलिए मैं ये वॉशरूम आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही क्लीन था। उसके बाद ये मिरर मैजिक रूम था, बट उस टाइम वहाँ पे लाइट नहीं थी, इसलिए ज़्यादा मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। और ये भूल भुलैया टाइप का था, ये भी बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को।
पे ये गुपचुप चाट इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वहाँ का दही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लाइक इसी को ही खाते खाते मैं पूरा मेरा तो पूरा पेट इसी को ही खाते खाते भर गया और बाकी मैं खाना तो खा ही नहीं पाई क्योंकि यही इतना टेस्टी था और इतना नीट एंड क्लीन उन लोग दे रहे थे। तो इसलिए उसके बाद ये ऐसे हॉर्स में बिठा के बच्चों को ऐसे घुमा रहे थे, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इन लोग बस एक ही एक राउंड लगाएंगे और एक राउंड भी बहुत ही छोटा सा था, तो बस एक ही राउंड इन लोग लगाते थे और एक राउंड लाइक 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता था। और ये ऐसे बैलगाड़ी में भी हम लोग बैठे थे, ये भी हम लोग का ऐसे एक राउंड जस्ट लगा के आया था। तो जस्ट यहाँ वहाँ पे कैमल था, हॉर्स था और ये बैलगाड़ी, ये सब चीज़ थे। और मतलब थोड़ा थोड़ा है बस उन लोग, जैसे उनका एक एक एरिया था वहाँ उन लोग राउंड लगा रहे थे। और ये यहाँ पे डांस जो होता था ये हर आधे घंटे बाद उन लोग एक परफॉर्मेंस देते थे, तो जैसे जो जैसे जैसे लोग नए नए आते रहेंगे तो जब सीट में सब लोग बैठ जाते थे तो आधे घंटे बाद उन लोग एक परफॉर्मेंस देते थे। ये वहाँ का नाइट का व्यू है। सुबह जब हम लोग लाइक इवनिंग में जब हम लोग 5 बजे पहुँचे थे तब वो बहुत ही अलग लग रहा था, और जब नाइट में जब हम लोग ने लाइट वगैरह ऑन करी तो जैसा लग रहा था हम लोग एक गाँव में हैं, तो भी वो बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा कूपन वो दे दो ना मम्मी, इसमें है मेरे। अच्छा कूपन भी देना। हाँ वो जो वहां से मिला था। हाथ की कलाकारी अनारकली, ये आर्ट बहुत ही पुराना है। जिस समय हमारे दादा घुसू लोग गांव-गांव गली-गली शहर-शहर जाके ये शो दिखाते थे, तो आपके वेलकम है आ रही है अनारकली। दीपिका पादुकोण लेके आए, आपके वेलकम है आ रही है।솔직히 나도 어디서든 기죽지는 않아.